पांचवाली पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक आरोपी उबेद रजा इकराम उल हक पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ है, जिससे इस घटना से पुलिस विभाग में खलबली मची हुई है। पांचवाली परिसर में मुख्य गुरुद्वारा के पास आरोपी का अपोलो नामक मेडिकल स्टोर है, जहाँ से रेमडेसिविर की कालाबाजारी आरोपी करता था। पुलिस को इसकी जानकारी मिली। इसी जानकारी पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में लिप्त दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को 2 मई को कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट द्वारा 3 दिन का पीसीआर दिया गया था। दोनों आरोपी पांचवाली पुलिस थाने में बदले। मंगलवार की शाम 5 बजे के आसपास पुलिस थाने में दूसरे प्रकरण में लिप्त आरोपियों पर कार्रवाई शुरू थी। इसी दौरान आरोपी उबेद रजा ने रोजा छोड़ने का बहाना कर हाथ मुंह धोने के लिए जेल के बाहर निकालने की अपील की। उबेद को बाहर निकाला गया। आरोपी मौका देखकर भाग निकला, जिससे थाने में खलबली मच गई। पुलिस ने आरोपी की काफी खोज की, इसके बावजूद आरोपी नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने यह जानकारी नियंत्रण कक्ष को दी है। पुलिस फरार आरोपी की खोज में जुटे हैं। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।